14-15 में, और 14 में जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ कोई जॉब करना चाहिए। और मैं जैसे ही पॉलिटेक्निक सिविल से कंप्लीट होने के बाद में बीटेक कहीं ना कहीं खुद के माध्यम से देख पा रहा था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो मेरे ब्रदर वगैरह ऑयल फील्ड में थे, जो आप जानते होंगे तेल के जो कुएं होते हैं, तो ऑयल फील्ड का जॉब था, उसमें एक महीने ड्यूटी एक महीने रघुवीर सर आपका आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है सर, आपका वीडियो अगर आप नेटवर्क में आकर थोड़ा बात करेंगे तो सही रहेगा सर। एक सेकेंड में अपना नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ। यस सर, यस सर, नेटवर्क अगर आपका चेंज हो सकता है तो प्लीज आप नेटवर्क चेंज कर लीजिए। जी सर, जी सर। आपका जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने किस तरह से शुरुआत में जो काम किस तरह से नेटवर्क के अंदर आप आए हो, तो वह लोगों तक अगर वो बात जाएगी तो कहीं सारे लोग जिनको कि एक आज कहीं सारे लोग परेशान रहते हैं तो वो परेशान नहीं होकर एक मोटिवेशन की राह में आगे बढ़ेंगे, वो नेटवर्क के अंदर वो सफलता की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर प्रॉपर आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी तो वो ज्यादा हमारे लिए लाभदायक रहेगी। थोड़ा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के इस प्रोग्राम के लिए जरूर इन्वाइट कीजिए, क्योंकि गेस्ट प्रोग्राम शायद तक हम एक दिन अटेंड नहीं करेंगे तो दूसरे दिन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये सपनों की उड़ान जो प्रोग्राम है ये अगर आपने मिस किया तो शायद तक आपको अगली बार कोई दूसरे लीडर मिलेंगे लेकिन ये वाले लीडर सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ये सक्सेसफुल लीडर्स को सुनने के लिए जरूर इन्वाइट कीजिए। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके सर, थैंक यू। क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क का इशू था थोड़ा, और प्रॉपर आशा करता हूँ अभी नेटवर्क अच्छा आएगा। अगर मैं अपनी जर्नी की जैसे मैंने बात की, तो ऑयल फील्ड का प्रोफेशन जब चुनने के बाद में मैंने 1 से 1.5 से 2 महीने जहाँ पे जॉब की, जॉब करने के बाद में मुझे पता चला कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जब अपनी एजुकेशन चल रही थी तो मजे चल रहे थे, घूमना फिरना जो भी, कहीं ना कहीं हर एक एडल्ट्स के अगर देख पाते हैं तो शादी ब्याह का सीजन होता है तो खूब इंजॉय करो, कहीं ना कहीं मतलब एक घर की जिम्मेदारियां वहां पे उनको नहीं मिलती, तो मैं भी उन्हीं में से था। और जब ये शादी ब्याह का जो भी माहौल होता तो अच्छे खा पी लेते, घूम लेते, फिर लेते, उसके बाद में अगर जब मुझे ऑयल फील्ड में जाने का मौका मिला और वहां पे गया तो मैं वो स्ट्रगल देख के ही कहीं ना कहीं बेक आ गया कि वहां पे हार्ड वर्किंग थी, वो सुपर हार्ड वर्किंग थी। मतलब मेरा उस टाइम वेट था वो था 60 से 62 केजी, और जब मैंने 1.5 से 2 महीने वहां पे जॉब की तो 9 केजी वहां पे मेरा वजन कम हुआ मात्र 1.5 महीने में, क्योंकि वहां पे हार्ड वर्किंग थी बहुत सुपर। सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक ड्यूटी, और वहां की सैलरी की बात करूं तो शुरुआत में वहां की सैलरी थी वो थी मात्र 5.5 हजार रुपए। मतलब 1-1.5 महीने वहां पे जॉब करके मैं वापस घर पे आया और वापस बोलने लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस नौकरी के काबिल तो मत समझो, मुझे कुछ ना कुछ अलग हटके करने दो, या कहीं ना कहीं मुझे अपने एरियाज में कोई ऐसा बिजनेस कोई ओपन करके दो कि मैं वहां पे अपना मेहनत करके अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकूं। आप मेरे दो बड़े भाई है तो दोनों आप अपने फील्ड में सिकंदर रही है, अपने बिजनेस को नौकरी को चलाते रहिए, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने माध्यम से कुछ करता हूँ। तो उन्होंने भी फिर यस ही बोला कि चलो ठीक है ट्राई कर। और मैंने वहां पे अपने गांव के पास में निबीजोधा में प्रॉपर एक रेडीमेड का शोरूम स्टार्ट किया दोस्तों, जो 2015 लास्ट की शुरुआत थी मेरी। और मेरा एक जोश जुनून कहीं ना कहीं इसी टाइप से चल रहा था कि मुझे इस शोरूम को टॉप पे लेके जाना है, मुझे एक क्राइटेरिया बढ़ाना है और आसपास के लोगों को कनेक्ट कर सकूं, तो मैं एथिक्स के साथ में उस शोरूम को स्टार्ट किया। 18 से 19 लाख रुपए वहां पे लगाने के बाद जॉकी की फ्रेंचाइजी ली, कुछ अलग हटके करना चाहता था तो उसके लिए मैंने हर एक कदम उसी टाइप से उठाया, और 2015 में अच्छे तरीके से मैंने शोरूम को रन कर रखा था। जब दोस्तों अगर सीजन की जब सेल आती है, जैसे अभी दीपावली का सीजन है, बहुत सारे मेरे साथी जो दुकानदार होते थे वो क्या करते हैं, प्रॉपर जो दीपावली की है उसकी अच्छी तरीके से शॉपिंग करके लाते हैं वो सेलिंग के लिए, और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो मैं उसी टाइप से था, पर जब सीजन चली जाती है ऑफ सीजन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और एकदम इनकम है वो जीरो हो जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, आसपास के जितने भी दुकानदार आके एक मोबाइल में लूडो ओपन करते हैं, वो कहीं ना कहीं गेम खेल के वो टाइम पास करते हैं। दोस्तों वो मैं खोना नहीं चाह रहा था,
कहीं ना कहीं वो टाइम मेरा जा रहा था और मैं इस टाइप इस एक इमोशन को अपने अंदर कंट्रोल करके रख रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मैं अपना करियर बना सकूं, शायद मुझे एक डर सताने लग रहा था कि ऑफ सीजन में जब इनकम बंद हो जाती है, अपन घर से टिफिन लेके आते हैं और वापस टिफिन लेके घर पे जाते हैं खाना खाके, तो एक कहीं ना कहीं घर के अंदर एंटर होते समय एक दिमाग में चीजें क्लिक होती थी कुछ बातें कि यार आज एक रुपए की कहीं ना कहीं सेल नहीं हुई है, मैं अपना जर्नी है अभी स्टार्ट है, इतना लंबा जीवन पड़ा है, कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा आगे जाके, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था थोड़ा। और घर वाले भी थे तो वो भी बोलते थे कि कहीं ना कहीं तुझे वापस नौकरी पकड़ लेनी चाहिए, शायद तेरा डिसीजन है वो गलत है, तो मुझे डर था थोड़ा। अगर मैं बात करूं इस नेचअप अपॉर्चुनिटी की, तो जैसे ही मेरे रिलेटिव फैमिली मेंबर्स के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली 2016 के अंदर, जब प्रोडक्ट का अगर मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानने का मौका मिला तो मैंने कहीं ना कहीं सर्चिंग मोड पे गया और प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जाना, प्रोडक्ट की अगर बात करूं लिस्ट बनाई और मेरे शोरूम पे, क्यों मैं जानता था जहां पे मैंने लगभग 18 से 19 लाख रुपए लगा रखे हैं, अगर 10-20 हजार रुपए के मैं प्रोडक्ट लेके अगर शुरुआत करता हूं तो 66+ प्रोडक्ट की मुझे एजेंसी मिल रही थी जो लाइफ टाइम 30% डिस्काउंट दे रहे थे, तो मैंने वो 21,000 में 30,000 के प्रोडक्ट लिए और उसकी शुरुआत कर दी। अगर मैं बात करूं 2016 की, तो मैंने प्रॉपर उसको सिर्फ रिटेलिंग के माध्यम से लिया, मैंने कोई नेटवर्किंग के माध्यम से, और मैं बात करूं आपको एक्सपीरियंस की, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मुझे एन भी नहीं पता, और मैं जब शुरुआत में आया तो मुझे इतना ही समझ आ रहा था कि मेरा शोरूम है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की ताकत रहेगी तो अपन इसको और स्प्रेड करेंगे, तो कंटिन्यू रिटेल करता गया। 2016, 2017, 2018 मुझे कोई मीटिंग के माध्यम से अगर मैसेज भी मिलता तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो मैंने अपॉर्चुनिटी खोई, पर फिर भी मैं रिटेलिंग के माध्यम से एक एक्सपर्ट बन चुका था, प्रोडक्ट का डाटा मेरे पास अच्छे से था, मैंने साइंटिस्ट के प्रॉपर जो अगर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स की बात करूं वो भी मैंने अटेंड कर रखी थी, पर मैं नेटवर्किंग के बारे में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्किंग जो लोगों की टीम बना के जो काम था मैं उस पर दिलचस्पी नहीं ले पा रहा था। 2018 शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर एक जैसे ट्रेनिंग हुआ तो मुकेश सर के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इनविटेशन मिला और मैं उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना। मुझे वहां जाके क्लिक हुआ कि जब मैंने 3 साल जो प्रोडक्ट रिटेल किए उनकी ताकत ये है कि मैं आज तक इसमें एक टॉप लेवल तक जा सकता था, ये अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, तो मेरे पास भी शायद टाइम रहते आई थी पर मैंने उसका फायदा नहीं उठा पाया। अगर मैं बात करूं उस टाइम की, तो जैसे ही मेरे बिजनेस की शुरुआत की, मैंने नेटवर्किंग के माध्यम से ट्रेनिंग्स वगैरह सक्षम की, जैसे ही ट्रेनिंग हुई उसके बाद में मेरे ही खुद के जो रियल ब्रदर थे उनके एक्सीडेंट से डेथ हो गई। दोस्तों कोई अगर नई उड़ान भरने के लिए हम जब भी रेडी होते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी अपने पास आती है तो प्रॉब्लम्स आती है, और मेरे ही अगर परिवार की बात करूं तो मैंने अपने रियल ब्रदर को जब खोया तो कहीं ना कहीं टूट चुका था और मैं अपने शोरूम से भी आउट होना चाहता था और नेटवर्क से भी दूर जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो डिसीजन क्या था, डिप्रेशन में चला गया और मेरी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे 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 वहां पे बढ़ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ हार चुका हूं, मेरे लिए सब कुछ जीरो हो चुका है, पर जब बोलते हैं ना कि नेटअप है तो मुमकिन है, यहीं से मुकेश सर का कनेक्टिविटी मेरे पास रोज कहीं ना कहीं वो हालचाल पूछते थे तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, एक कमांडो ट्रेनिंग था और हमारे जो गुरु है विलास थोराट साहब उन्होंने उनका वो ट्रेनिंग होने वाला था और जयपुर के अंदर जो ट्रेनिंग था वहां पे जैसे ही मुझे इनविटेशन मिला तो मैं कहीं ना कहीं अपने मन को समझा रहा था कि मैं अभी शोरूम पे हूँ, अपना टाइम पास नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ या लोगों तक टच नहीं हूँ, तो शायद मन को हल्का करने के लिए क्यों ना अपन वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो मैं उस ट्रेनिंग का हिस्सा बना, प्रॉपर वहां से मेरा एक विजन क्लियर हुआ कि क्यों ना यार आज इसे मैं ऐसा डिसीजन लेता हूं कि नेटसब के माध्यम से घर घर तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचनी चाहिए, जैसे ही प्रोडक्ट ये मेरे पास आए हैं ये लोगों तक भी जाने चाहिए और इतने शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड और मेरे पास इतने हेल्थ के, इतने खेती के, पर्सनल केयर के, हर एक क्षेत्र से प्रोडक्ट के इतने प्यारे रिजल्ट थे कि लोगों की दुआएं जुड़ती गई और लोगों का जो फीडबैक था उससे मैं खुश था कहीं ना कहीं कि आज मैं रेडीमेड में जब कपड़ा अगर मैं किसी को सेल करता हूं उसकी प्रॉब्लम्स वापस क्रिएट होती है या प्रॉब्लम को लेके वो वापस है कि सर जो आपने सर्ट किया उसका कलर चला गया, ये चला गया, बेचने में हर रोज जिग जिग होती थी। तो वहीं अगर नेचर की बात करूं तो जिसको एक फेस वॉश दिया वो बंदा आप मल्टीप्लिकेशन करके लगभग अपने दोस्तों को 10-15 फेस वॉश दिलवा रहा है, वो प्रोडक्ट की ताकत थी वहां पे। तो मैंने डिसीजन ले लिया उस कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से कि मुझे नेचर का हाथ थामना चाहिए और नेचर मुझे एक जो मैं आज मेरे जो सपने हैं वो साकार यहां से हो सकते हैं। तो 2018 में जब मैंने डिसीजन लिया
देखो अगर परिवार की जो हमारी जो क्षति थी वो उसको मैं पूरा नहीं कर पाता, पर कहीं ना कहीं पैसों की अगर कमी की बात करूं वो मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था कि कहीं ना कहीं मुझे एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं टॉप तक जा सकता हूं और जिसमें बिना इन्वेस्ट किए जो मेरी एजेंसी है उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं। तो मैंने 2018 में दोस्तों घर पे स्कॉर्पियो थी उससे मैंने काम स्टार्ट किया, उसका खर्चा मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था उस टाइम, शुरुआती दौर था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना अपने रिटेलिंग भी किए, खूब सबसे इनकम किए, छोटी गाड़ी लेके आता हूं। तो मैं जयपुर गया सेकंड हैंड, वहां से मारुति 800 परचेज की मैंने और एक बोलते हैं जोगी बन गया और प्रॉपर नेटसब का ही गुणगान और हर फील्ड में जाके कहीं ना कहीं किसानों को मिलना, बातें करना, इतना मन हल्का हो चुका था कि लोगों से मतलब मैं रोज अगर काम पे नहीं जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती थी कि आज मैं वहां पे फील्ड में नहीं गया या मैं अपने लोगों तक नहीं पहुंच पाया। प्रॉपर मेरा डेडिकेशन था, वो प्रॉपर मैं प्लानिंग करता था, उसके अकॉर्डिंग ही फील्ड में जाता था। तो मैंने शुरुआत की 2018 में और जब मैं फील्ड में गया, किसानों से मिलता गया, एक अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट जो होते हैं जैसे क्लब नेटसब के, मेरे दुबई के, अब बात करूं अभी दुबई की, तो दुबई का अचीवमेंट था, उससे पहले मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वो धीरे धीरे जब अचीवमेंट होते गए, बहुत सारे डोमेस्टिक टूर अचीवमेंट होते गए, वहां जाके नेटसब का जो इतिहास देखा, जैसे मैं एक बार गया यहां से चेन्नई, अगर 4000 लोगों का एक साथ वहां पे इवेंट्स हो और वहां पे मुझे 7-star 5-star होटल में रुकने का मौका नेटसब ने जो जहां पे दिया, तो वो अचीवमेंट देख के ही मैं कहीं ना कहीं, जहां से पूरा नेटसब का एंटायर टीम वहां पे, सुजीत जैन सर साहब से लेके और यहां पे बॉटम तक जो हमारा साथ देने के लिए आशीष सर है, तो वही कहीं ना मतलब प्रॉपर वो सब लोग वहां पे थे। मैंने एक नेटसब को बारीकी से वहां पे पूरे एक नेटसब के प्लेटफॉर्म को देखा, इतना शानदार जो विजन देखा, तो मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था वो दोगुना हो गया और वापस आते ही टीम को ग्रोथ देने के लिए हमने काम किया 2019 में। प्रॉपर हर तरह से प्लानिंग की, हर एरियाज में जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे साथ हमें क्या करना आता है क्या नहीं वो अपने फील्ड का एक्सपीरियंस है वहां पे ही कर सकते हैं। जैसे मुझे रेडीमेड का एक्सपीरियंस था पर मुझे नेटसब का एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पे हर माध्यम से जितने भी हमारे गुरु है यहाँ पे, जितने गुरु है हमारे OCM मेंटोर सर है मुकेश चौधरी सर, यहाँ पे रीजनल मैनेजर सर है, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मैं इतना ही पूछता था कि सर मुझे इस बार क्या करना चाहिए, तो उनका सपोर्ट होता था कि सर ऐसे ऐसे करके आप प्लानिंग करो, इससे आपका इजी हो जाएगा। बिजनेस ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम का था तो वो प्रॉपर प्लानिंग होती गई और प्रॉपर एक उड़ान भरते गए। अगर मैं बात करूं लॉकडाउन से पहले की, एक ही साल में जो मेरा चेक था, मैं यहाँ से सीख रहा था उस टाइम, होता क्या दोस्तों अपन शुरू से एक ही दिन से हम इनकम चाहते हैं वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने उसके बारे में कुछ जाना नहीं है या प्रॉपर स्किल नहीं है, वो स्किल डेवलप नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं मेरी ही शुरुआत की, तो 5 किसानों के बीच में खड़े होके भी मेरा नाम था वो मैं नहीं बता पाता था, क्योंकि एक कंपन होता था, हेजिटेशन होती थी बैंकर। अगर मैं बात करूं आज की, तो मैं लगभग 150-200-500 किसानों की आज मीटिंग ले पाता हूं, वो प्रॉपर वहीं से स्किल डेवलप होती गई, धीरे धीरे ट्रेनिंग का कमाल था मुझे, धीरे धीरे अचीवमेंट के माध्यम से हर एक लेवल तक वो ट्रेनिंग्स मिलती गई। अगर बात करूं 2019 की, तो प्रॉपर 2019 की ग्रोथ के बाद में लॉकडाउन से पहले का जो मेरा 15 दिन का चेक था वो था 24-25 हज़ार रुपए। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन की बात करूं, जहां हर एक इंडस्ट्रीज वो जीरो पे चले गए, वहां पे नेटसब की अपॉर्चुनिटी और आज जैसे ये जूम के माध्यम से हम और आप मिल रहे हैं, वैसे ही जूम के माध्यम से जो मुझे ग्रोथ मिली वो प्रॉपर अगर आपको मैं बताना चाहूं, तो जुलाई से अगस्त का जो मेरा चेक था 3 महीने बाद का ही, वो मेरा 95 हज़ार रुपए का 15 दिन का गया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देखो आज जो इंडस्ट्रीज जीरो पे चल रही है, जहां ट्रेनें, हवाई जहाज सब कुछ बंद है, वहां नेटसब के माध्यम से मेरे घर में पैसा आ रहा है, ये बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है दोस्तों। इसी को डिसीजन को लेके और एक जब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जब अपनी जीवन में जो घटनाएं घटती है उसके माध्यम से कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक उसमें बढ़ता जाता है और उसकी वजह से हम ग्रोथ लेते जाते हैं। उसी की वजह से एजुकेशन की बात करूं, तो प्रॉपर डेडिकेशन और एजुकेशन को देखते हुए और मेरे काम के समर्पण को देखते हुए नेटसब टीम और हमारे जैसे राजस्थान के मैनेजर सर और अपने OCM मेंटोर सर, इन्हीं का एक कहीं ना कहीं नजर रहता है। वो बोलते हैं ना कि हमें पता नहीं होता पर उनकी पैनी नजर हम पे बनी रहती है कि आप किस लेवल तक का बिजनेस कर चुके हैं या किस टाइप से आपका डेडिकेशन चल रहा है और आप एथिक्स के साथ में कैसे काम कर रहे हो। उसको देखते हुए सभी ने मुझे MCM में इनवाइट किया और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सबका कि उनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और इस मुकाम को हासिल कर पाया, जहां पे उम्र का कोई तवज्जो नहीं है, जहां पे अगर हम बात करें तो कम एजुकेशन होते हुए भी वहां पे जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां पे
मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो विद प्रोफेशन हाईकोर्ट के वकील, अगर बात करूं तो अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, बीडीओ, अगर बात करूं तो बहुत बहुत ऐसे लोग जो सात सात आठ आठ साल मैनेजर की पोस्ट में, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स, उनके साथ में जब मैं एमसीएम में गया तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक एजुकेशन लेके फिर बिजनेस लाइन में गया और कैसे इस फील्ड में आके आज इन सब के बीच में मुझे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो मुझे सभी का अच्छे तरीके से साथ मिला और मैं अपनी टीम को ग्रोथ देते गया। आज अगर टीम की बात करूं तो मेरी ही टीम से आज लगभग मैं बात करूं तो 1000 से 1500 लोगों की टीम बन चुकी है। अगर हम जाते हैं कहीं पे भी तो जिन लोगों को मैंने अभी आज तक कभी मिला नहीं हूं, पर जैसे ही वहां पे मीटिंग लेने के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत देख के दिल गदगद हो जाता है कि देखिए आज अचीवमेंट्स तो मिले पर उसके बाद में भी अगर मान सम्मान की बात करूं तो वो भी यहां पे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। वहीं अगर गांव की बात करें तो कोई जो नेता होता है राजनीति में वो ऑल ओवर उस फील्ड में अपने अपने आप को वहां पे हाईलाइट करने के लिए वो नेता कहीं ना कहीं गौशाला है या कहीं ना कहीं वो डोनेशन देके स्टेज पे जाके माला डलवाने के लिए जाता है कि मुझे कोई जाने। वही नेट कि ऑल राजस्थान में आप अपना नाम कमा सकते हैं, ऑल इंडिया में ऐसा नाम कमा सकते हैं जो आपने कल्पना में भी नहीं सोचा है। तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसके माध्यम से ही ये चीजें सब पॉसिबल हो जाती है। और मैं अपनी टीम को धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए आज उस टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं इस अचीवमेंट तक, उनका अचीवमेंट लेते हुए मैं इस मुकाम तक पहुंचा और अपनी टीम की ग्रोथ को देखते हुए वहां पे मैंने आगे बढ़ा। अगर यंग जनरेशन की बात करूं तो दोस्तों जहां पे आज लोगों की जॉब लैप्स हो रही है, और अगर जॉब की भी बात करें, अगर वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है दोस्तों। अगर प्रॉपर बात करें वहां पे अगर क्षेत्र की, तो लोगों की हालत इतनी खराब है कि वो खुद सोच रहे हैं कि मुझे अगर 5000 का भी जॉब मिले तो भी मुझे सुकून होगा। अगर उनकी हम हेल्प कर पाए, अपनी अपने लिए सब पेट भरते हैं, अगर हम लोगों का एक जर्नी उनकी हेल्प करके उनका बिजनेस डेवलप करके और जब रात को सोने जाए तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से आज 200-500 परिवारों में परिवार चल रहा है, उनका घर खर्चा या इनकम सोर्स उनके माध्यम से या उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे शोरूम चलाता या और भी बड़ा बिजनेस करता तो बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने के बाद में वहां पे मैं माइंडली और फिजिकली दोनों वर्क वहां पे करता। अगर मैं इसी फील्ड की बात करूं तो जहां पे एक रुपया मैंने इन्वेस्ट नहीं किया वहां से आज मुझे लाखों रुपए पैसा मिल रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 16 लाख पे मंथली कमाने की अपॉर्चुनिटी दोस्तों आप और मैं, शायद हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे हम जाके इस टाइप की इनकम कर सकें। और अगर बात करें जहां लोगों को जॉब नहीं है वहां पे अगर हम लोगों की हेल्प करें, टीम वर्क करें और टीम का सपोर्ट हो, आज एक राजस्थान का जो एमसीएम मैनेजमेंट कमेटी मेंबर जो टीम है वो एक डिसीजन लेता है कि आपको किस एरिया में कहां पे मीटिंग चाहिए, आपकी कहां हेल्प हो सकती है, वहां पे वो लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं दोस्तों। आपका एक डिसीजन आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य बदल सकता है, और आपका एक डिसीजन ही आने वाली पीढ़ी को शायद तार सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि अपना जीवन कटने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दुख दर्द की जीवन में अपन चलते गए वैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी वो दिन देखे। हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा और अपनी जिंदगी को अगर हम टॉप पे लेके गए तो आने वाली जनरेशन भी उसको देख के ऐसे सलूट मारेगी दोस्तों कि आपने जो डिसीजन लिया आज आपकी वजह से हम और आप एक नाम बना सकते हैं और वहीं से इनकम सोर्स। और कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि 99% जो प्रॉब्लम है वो पैसों की है। अगर पैसे 99% प्रॉब्लम, अगर पैसों की प्रॉब्लम पूरी हो गई तो वो 1% प्रॉब्लम हमें दिखेगी भी नहीं। पर पैसों की वजह से ही आज लोगों के घर नहीं चल रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब पैसों की है। अगर एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने भी बिजनेसमैन भाई बैठे हैं यहाँ पे, चाहे आपने ग्रेनेड का बिजनेस किया हो, चाहे आपने ट्रेडिशनल किया हो, कितना भी करोड़ों रुपए का आपने बिजनेस किया होगा, पर आपको टेंशन रहेगा, आपको आर्थिक आजादी, जब बात करते हैं टाइम फ्रीडम, ये चीजें नहीं मिल पाती। आप जीवन में अपना समय निकाल के अपनी फैमिली के साथ में कहीं नहीं जा सकते। नेटशप के माध्यम से साल में 4 डोमेस्टिक टूर, साल में 2 विदेश टूर, इनकम साल में 1.25 करोड़ जैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं तो बहुत सारे लोग जब मैं मिलता हूँ मार्केट में, लोगों की नीड पहचानता हूँ कहीं ना कहीं, और लोगों से पूछता हूँ सर आप कितना कमाना चाहते हैं, वो बोलते हैं सर 10-20-30 हजार। अच्छा 30 हजार रुपए में चलेगा? बोले हाँ ठीक है सर, मैं उसका उसी के हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है दोस्तों, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे वो अपना कर्जा उतार सके। मैं कई बार ऐसा फील करता हूँ कि यार लोगों का सिलेक्शन ही ऐसा करना शुरू करे साथ में कि जिन लोगों का कर्जा है
शायद उनके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ऐसी, और इन्वेस्ट करके तो कर्जा तो पहले से उनको पैसा भी कौन देगा। बिना इन्वेस्ट किया अगर वो अपॉर्चुनिटी इस टाइप की अगर अपॉर्चुनिटी को अगर समझ पाते हैं तो इससे वो लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा भी यहाँ से वो समाप्त कर सकते हैं। पर डिसीजन लेना होगा, 2 से 3 साल के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें पॉसिबल होती है। हम चाहते हैं कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एथिक्स के साथ में, विद मेहनत के साथ में इस बिजनेस को अपन कर सकते हैं। और एक एक प्लेटफॉर्म जो कंपनी ने पथफाइंडर दे रखा है उसी के माध्यम से, क्योंकि वहां पे हर एक लेवल पे हर एक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों अपन पहली क्लास में जिस बच्चे को डालते हैं उसी दिन उसको 10th की या 12th की डिग्री नहीं दे पाते, क्योंकि उसको धीरे धीरे शायद कैक है गैक को लिखते हुए भी शायद महीनों बीत जाते हैं, तब जाके उसको वो कैक है गैक लिखना आता है। कितनी जो बढ़ते होते हैं वो शायद अपने बचपन में हमने खाए हैं वो मात्र 3 अक्षर के लिए, पर जब वो लिखना सीख गए तो आज आप और मैं एक लेख भी लिखना हो तो उसको हम स्पीडली लिख पाते हैं। वो एक ट्रेनिंग ही थी दोस्तों, इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम अपना अचीवमेंट ले पाते हैं। तो आज का जो सेशन था वो एक जर्नी के माध्यम से था, और मेरा एक मैसेज देना था कहीं ना कहीं कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और मैंने इस चीज को प्रूफ किया है और अपना जीवन समर्पण नेटसब को किया है, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है। अगर हम बहानों के साथ में काम करने लगे कि यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ गई, तो दोस्तों प्रॉब्लम सबको है। आप अपनी प्रॉब्लम रखोगे अगले वाला शायद 2 गुना 4 गुना उस प्रॉब्लम को सामने गाएगा। तो प्रॉब्लम्स सबको है, हम प्रॉब्लम्स को ना गाके उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बात कर सकते हैं कि इस अचीवमेंट को कैसे ले सकते हैं, या आने वाले 6 महीने 1 साल बाद हम किस लेवल तक जा सकते हैं। आज ऐसे ऐसे नेटसब के माध्यम से रिकॉर्ड बने हुए हैं जिन्होंने मात्र 6 से 8 महीने में टॉप लेवल तक उन्होंने, मतलब महीने के जो 16 लाख रुपए है वो लेना वो उन्होंने लिया है। तो कहीं ना कहीं उन वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो अपना माइंड सेट है उसको बदलना पड़ेगा। अगर हम नौकरी की तलाश में जाते हैं, अगर हमने घर से सोच के ये निकले कि मुझे 15,000 की जॉब चाहिए, तो दोस्तों उसको 50,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती। 15,000 की सोचिए तो उसको जॉब मात्र 10 से 11,000 रुपए की मिलेगी, क्योंकि वो तैयारी ही उस टाइप की करके गया। अगर उसने सोच लिया कि मुझे 50,000 रुपए की जॉब चाहिए, तो उस बंदे को 50,000 भले ना मिले पर वो 40 से 45,000 रुपए की तैयारी करके उस जॉब को हासिल कर लेगा। पर अपन कहीं ना कहीं शायद सोचते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंडली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। राजस्थान की एमसीएम टीम तैयार है, नेटसब का एंटायर मैनेजमेंट तैयार है, और प्रॉपर आपकी प्लानिंग करने के लिए हमारे साथ में ऐसे मेंटोर जो नेशनल मेंटोर 22 लोग जो इंडिया के सिलेक्ट हैं उनमें वो आते हैं। तो मुकेश चौधरी सर के सैल्यूट करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत में उंगली पकड़ के इस बिजनेस को आगे ग्रोथ दे पाया, वरना मैं 2018 में शायद इससे वाइंड अप कर गया होता। मुझे नहीं पता था, ये डिसीजन मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, पर मैं उस टाइम डिप्रेशन में चला गया था। मुझे भी कहीं ना कहीं एक आस की किरण चाहिए थी, वो सर मेरे लिए आए और प्रॉपर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कमांडो ट्रेनिंग में। तो दोस्तों कोई भी अगर ट्रेनिंग्स आपके एरियाज में होती है, या आपको कहीं ना कहीं 200 से 500 किलोमीटर जाना भी पड़े, तो आप जाइए। अपने जीवन को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और इस टाइप की ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस अचीवमेंट तक जा सकते हैं। सभी हमारे जो मेरे यंगेस्ट जो दोस्त हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखिए, आप जो जिस प्रोफेशन में आज आप हैं उसको कंटिन्यू रखिए, पर उस प्रोफेशन के साथ में आप डिसीजन लेके इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आपको 6 महीने में एक पाथफाइंडर आपके लिए रेडी रहेगा कि क्यों ना मुझे इस फास्ट टैग के माध्यम से जाके मैं इस अपनी इनकम को बढ़ाऊं। ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं है जो नहीं चाहते कि आप पैसा कमाएं, पर उनको प्रूफ करके देना पड़ेगा। मैंने भी जब शुरुआत की तो शायद मेरे परिवार वाले भी वो राजी नहीं थे कि आपको, तुझे 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करा के जब शोरूम खड़ा करवा दिया तो तुझे इस नेटसब की जर्नी में जाने की कहाँ जरूरत है। पर मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें एक क्लियर हो चुकी थी, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे जाना है तो इसी फील्ड में जाना है। तो मैंने 2020 में डिसीजन लिया और अपने शोरूम को वाइंड अप किया कि 19 लाख लगा के जो मुझे संतुष्ट नहीं था, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, फिर भी मुझे इनकम भी मिली, मान सम्मान मिला, पैसा मिला, और आने वाले टाइम का जो विजन मिला उसके लिए मैं खुशी जाहिर करूंगा। और नेटसब भगवान ऊपर वाले का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेटसब जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, और कभी मैंने किसी कंपनी को शायद स्टार्ट करने का मौका भी नहीं मिला, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं सीखा था, यहीं से मैं सीखा हूं और यहीं से आगे बढ़ा हूं। तो जितने सांस चलेंगे जब तक, तो नेटसब का हाथ नहीं छूटने वाला, क्योंकि इतनी एथिक्स के साथ में प्यारी कंपनी मिली है, तो शायद जीवन अपना भी सुधरेगा और अगली जनरेशन का भी सुधरेगा, और बहुत सारी मेरी वजह से अगर कितने लोगों के घर में पैसा जाएगा तो मुझे खुशी रहेगी। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं वाइंड अप करता हूँ, समय की इतनी आजादी नहीं है। थैंक यू सो मच आशीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर रघुवीर सर, आपने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, रियली मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत ज्यादा उम्र दराज लोग भी हैं और शायद तक आपसे भी कम उम्र के यहाँ पे लोग हैं जो कि शायद तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की अभी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि नेटसर्फ में आपको इस तरह के नेटसर्फ में कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जो कि आज रघुवीर सर ने बातें बोली है कि शायद तक उन्होंने कम उम्र में। आज सर आपकी उम्र कितनी है सर, क्योंकि आप यंगेस्ट एमसीएम है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र कितनी है, तो प्लीज मैं बताना चाहूंगा। थैंक यू सर। मैंने 2015 में रेडीमेड का शोरूम स्टार्ट किया तो मेरी उम्र उस टाइम 19 साल थी और जज्बा शायद थोड़ा बड़ा ही था। अगर प्रॉपर बात करूं तो एजुकेशन के साथ में ही शायद मैं बिजनेस लाइन में जाना तो चाहता था पर मौका नहीं मिला। यहाँ पे अगर मेरी आज की उम्र की बात करूं तो मैं सर आपका नेटवर्क जा चुका है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? रघुवीर सर क्या आप सुन पा रहे हैं सर? शायद नेटवर्क की इश्यू होने की वजह से आई थिंक शायद रघुवीर सर हमारे बीच में से लेफ्ट हो चुके हैं। रघुवीर सर क्या सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? सर दूसरे स्पीकर को ले लीजिए। ओके सर। तो यहाँ पर रघुवीर सर ने हमारे बीच में बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बोली है, तो मैं यही कहूंगा कि इनकी बातों से आप जरूर कुछ सीखते हुए नेटसर्फ में अपनी राह बढ़ाइए। तो बाकी नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर हैं, क्योंकि ये तो यंगेस्ट लीडर थे लेकिन अभी हमारे बीच में जो आ रहे हैं वो बहुत वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, और यहाँ पर उनके एजुकेशन की वजह से शायद तक नेटसर्फ में भी कई सारे लोग फायदा लेते हैं, उनकी टीम उनका फायदा लेती है और आज उनकी टीम भी ग्रो कर रही है उनके सहयोग से। तो ऐसे ही लीडर को मैं राजस्थान के हमारे एमसीएम लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा जिनका नाम है मिस्टर रामनिवास जी सैनी सर। वेलकम सर, वेलकम आपका थैंक यू हमारे सपनों की उड़ान सेशन में स्वागत है सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच राजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया। तो सर मेरा आवाज प्रॉपर है? थैंक यू। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, और मैं बात करूं तो आज के इस सपनों की उड़ान, जैसे कि अभी आपने बहुत एक यंगेस्ट और एक डायनेमिक लेडू को आपने सुना कितना जोश और किस तरह से वो अपनी जोशीली वाणी के अंदर आप सब लोगों को पूरा एक नेटसअप का जर्नी उन्होंने बताया आपको। दोस्तों मैं अगर आप बोलना चाहूं तो इस सपनों की उड़ान जो प्रोग्राम जो नाम रखा गया है यहां पर, मैं आपको बोल सकता हूं कि शायद ये सपनों की उड़ान जो हम सब लोगों के लिए, यानी कि मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए, यानी कि हम जो लोग ड्रीमर लोग हैं इन सब लोगों के लिए बना हुआ है। इसकी मैं बात करता हूं तो इन सब ड्रीमर लोगों के लिए, यानी कि सपने देखने वाले सभी लोगों का आज के इस वर्चुअल प्रोग्राम में और इस सपनों की उड़ान के इस प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का रामनिवास सैनी तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं। मैं यहां पर आपको ये बोलना चाहता हूं कि जैसा भी ये नाम शायद ये मुकेश सर ने और राजेश सर ने जो नाम रखा है कि सपनों की उड़ान, और मैं ये मानता हूं कि सपनों की उड़ान शायद ये प्रोग्राम ये नाम शायद मेरे ऊपर बहुत फिट होता है, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूं कि सपने जहां पर, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूं कि मैं ऐसे मेरा जो बैकग्राउंड जिस पर रहा है जिसके बाद में अगर वो बात करूंगा तो सपनों की उड़ान, यानी कि मेरे जो सपने थे वहां पर जिनको पंख लगाना, जिनको उड़ान भरना, ये मेरी जर्नी के ऊपर पूरा का पूरा फिट बैठता है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूं, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जैसे भी हम पिछले काफी लंबे टाइम से जो इसका सफर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सपनों की उड़ान का यहाँ पर अलग अलग स्पीकर आते हैं, ऐसे ही आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरा जो सफर रहा है, मेरा जो जीवन रहा है, शायद बहुत सारे उसके अंदर संघर्ष रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें रही हैं, बहुत सारे उसको मैं बोल सकता हूं कि जिसको एक बोल सकते हैं कि जिसको मतलब लिमिट से ज्यादा एक आशावादी जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा मेरा एक जीवन रहा है। उसकी मैं बात करूं तो मैंने आज से ठीक 47 साल पहले झुंझुनू जिला, राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिला जहां पर तांबर नगरी है जिसको हम बोलते हैं कि जहां पर तांबा निकाला जाता है, वहां पर मेरा एक छोटे से गांव के अंदर, एक ढाणी के अंदर मेरा जन्म हुआ। और ऐसा किसान परिवार जिसमें बोल सकता हूं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके दादाजी सब लोग खेती करते थे, मतलब मैंने जो जन्म लिया वो खेतों के अंदर जन्म लिया और मैंने खुद ने खेती की, मैंने किसानी की, मैंने खूब सब्जियां पैदा की, खुद अनाज पैदा किया मैंने। और वहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर कि मैंने खूब सब्जियां बेची भी हैं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं उस परिवार से जन्म लिया जहां पर पीढ़ियों से खेती होती आई है और होती रहेगी, अभी भी हो रही है, ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया। लेकिन
पढ़ाई चलती रही, पढ़ाई के साथ साथ एक अंदर से एक टीस ऐसी पैदा हो रही थी कि यार मैं इस किसान परिवार के अंदर पैदा हुआ हूँ, बहुत लकी आदमी हूँ, क्योंकि जहां पर अंदाता जिसको बोलते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी को यानी कि पूरा अन्न जो सप्लाई करता है उस परिवार मैंने जन्म लिया, अंदाता के घर मैंने जन्म लिया। लेकिन मेरे दिमाग में चला क्योंकि मैं शुरू से आशावादी रहा हूं, और आशावादी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमेशा मैंने ये देखा है कि क्या पीढ़ियों से जो लोग हम लोग काम करते हैं क्या यही काम हमारा चलता रहेगा, या पीढ़ियों से जो काम हमारा चलता है क्या इसी काम के अंदर मैं लग के रह जाऊंगा, या पीढ़ियों से जो काम चलता है क्या इसी यही काम क्या मैं मेरी आने वाली जनरेशन को देकर के जाऊं। मतलब कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए, कुछ तो बदलाव हमें ऐसा करना चाहिए कि शायद आने वाली पीढ़ियों को एक नया दौर मिले। और दोस्तों मैं आपको यहां पर बोलना चाहता हूं, परिवर्तन विकास का दूसरा नाम है, ये परिवर्तन विकास का दूसरा नाम मेरे जीवन के अंदर मेरी स्टडी के दौरान वहां पर हमेशा घूमता रहा और उसी से मेरा दिमाग पूरा का पूरा चेंज हुआ। और मैंने अगर मैं बात करूं तो आज से ठीक 28 साल पहले इसी सोच के साथ, इसी भावना के साथ में कि मेरे सपने बड़े थे, मुझे कुछ करना है, लोगों से कुछ हट करके मुझे करके दिखाना है। पिताजी अनपढ़ थे, हम अगर मैं बात करूं तो हमें 9 बहन भाइयों को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, और अनपढ़ आदमी जिसको बोलते खेती करते हैं किसानी करते हैं उस व्यक्ति ने हम सब लोगों को इतना पढ़ाया कि अगर मैं बात करूं उनको, मैं हालांकि दुनिया में नहीं है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरा जीवन हम लोगों के ऊपर समर्पित किया, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, उनके सपने को मैं साकार करूं, ये मेरे दिमाग में चलता था। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं इस कहानी के साथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जो मेरा जन्म इस गांव के अंदर हुआ, मेरा जो एक आशावादी जो रवैया था उसको लेकर के ठीक आज से 28 साल पहले मैंने गांव को छोड़ा और मेरे एक जो दिमाग में जो सोच थी, एक यूरिया डीएपी का जो कट्टा आता है उस कट्टे के अंदर मैंने मेरे 2 पैंट 2 शर्ट और एक गुदड़ी और एक कम्बल और 4 किताबें लेकर के, और मैं उस करके एक जो ट्रक जो आता है जो मर्सी ट्रक उसको बोलते हैं उसके ऊपर रख करके, एक साइकिल, उस जमाने मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, और जेब के अंदर 600 रुपए लेकर के मैं जयपुर आया आज से ठीक 28 साल पहले। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत तकलीफ का जीवन रहा हुआ है, बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष क्योंकि आज के टाइम पर मैं बात करूं शायद आज की युवा पीढ़ी संघर्ष से बहुत घबराते हैं, मतलब संघर्ष को देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है, जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है उसका कोई लाइफ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उससे मजबूती मिलती है, और मजबूती मिलती है वो हमें सफलता की राह दिखाती है। दोस्तों उस जीवन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आज से 28 साल पहले मैं जयपुर के अंदर आया, मात्र जेब के अंदर 600 रुपए लेकर के मैं यहाँ पर जयपुर में 400 रुपए में आकर के मैंने गोपालपुरा बाईपास जिसको मृदि सिद्धि चौराया बोलते हैं वहां पर मैंने 400 रुपए में कमरा लिया, पूरा खाली पड़ा था, वहां पर जंगल था पूरा, मैं बात कर रहा हूँ 4 या 5 घर उस कॉलोनी के अंदर बने हुए थे, नाली थी वहां पर, मैंने वहां पर कमरा लिया और वहां से मैंने मेरा इसकी पढ़ाई की शुरुआत की। मैंने यहाँ पर आकर के कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने यहाँ पर 1994-95 के अंदर मैंने यहाँ पर बीए किया, साथ बात करता हूँ उसके बाद मैंने एलएलबी किया, और एलएलबी करने के बाद मैंने एमए किया। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये जो पढ़ाई का जो दौर था, जो संघर्ष था, क्योंकि मैं जब गांव से निकला था तो शायद उस वक्त मेरे दिमाग में नेटवर्किंग नाम का कोई भी सपना नहीं था, कोई मैं जानता भी नहीं था नेटवर्किंग होती क्या है। मैं वहां पर बना निकला था कि मैं मुझे कुछ प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जाना है, कुछ तैयारी करनी है, और पढ़ लिख करके मुझे अफसर बनना है और परिवार के अंदर समाज के अंदर ऐसा कुछ करके दिखाना है तो शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैं वहां पर आया और यहाँ पर मैंने ये सब पढ़ाई की, लेकिन ये पढ़ाई का संघर्ष भी इतना ईजी नहीं था, इतना इसको बोल सकते हैं कि ईजी वे में आगे बढ़े ऐसा संघर्ष, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने इस दौरान, क्योंकि ऐसे परिवार में जहां पर खेती होती है आप समझ सकते हैं कि उस जमाने के अंदर खेती में कितनी इनकम होती होगी, यहां पर मैंने साथ में रह करके मैंने संघर्ष किया। और शायद आप लोगों को इसका ताजुब नहीं होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इस पढ़ाई के दौरान नमक बेचने वाली कंपनी जिसका मैंने घर घर जाकर के जयपुर के अंदर डोर टू डोर मार्केटिंग किया है, और डोर टू डोर मार्केटिंग किया मेरे वहां पर इतना मतलब इतना सीखने को मिला कि यार आज मैं कहां पर, जो मेरे जो सपना लेकर के मैं यहां पर, इतना पढ़ाई करने के बाद शायद मैं उस तरफ नहीं जा पा रहा हूं, मैं कहां पर हूं, मुझे उस सोचने को मजबूर कर रहा था। जयपुर की ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर मैंने जाकर के ये काम नहीं किया होगा। आज के लोग, मैं आज फिर आपको बोलता हूं कि लोग घबराते हैं, तकलीफ उठाना जानते ही नहीं है, संघर्ष करना ही जानते नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आज जिसके जीवन में, मैं फिर बोलता हूं कि संघर्ष नहीं है दोस्तों, आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैंने जयपुर के हर एक गली गली को देखा है, और जिस गली के अंदर मैं जाता था जहां पर मुझे अच्छा मकान दिखाई देता था, सब दिमाग में आता था कि ऐसा मकान मेरा होगा जयपुर के अंदर। जिस गली से मैं जाता था उस वक्त एक गाड़ी चलती थी जिसको बोलते हैं लग्जरियस गाड़ी, उसको इसका नाम था एस्टीम गाड़ी। दोस्तों मैं अगर उसकी बात करूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब ऐसी कोई गाड़ी मेरे सामने से निकलती थी तो मेरा एक सपना था कि यार ऐसी गाड़ी दिन मेरे पास में भी होगी। लेकिन क्योंकि ऐसे परिवार से हूं जहां पर पैसा नहीं है, जहां पर एजुकेशन नहीं है, और ये सब पैसे के बगैर कोई संभव नहीं हो पाता, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास में। शायद एजुकेशन लेना मेरे हिसाब से उस तरफ नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उसके लिए हमें एक प्रॉपर माहौल का मिलना भी बहुत जरूरी होता है, तो शायद वो माहौल नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव नहीं था। लेकिन इरादे
बहुत नेक थे, संघर्ष करना जानता था, तकलीफें जाना जानता था कि तकलीफें क्या होती हैं, इन तकलीफों को इनसे जूझता हुआ और मैंने संघर्ष किया। और संघर्ष करके दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने धीरे 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 आते आते वकालत की शुरुआत की राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन वकालत का प्रोफेशन ऐसा था कि स्टार्टिंग कोई मेरे पिताजी ने या कोई मेरे दादाजी ने या कोई मेरे भाई ने कोई वकालत नहीं की थी या कोई उस प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो किसानी का यानी खेती का प्रोफेशन था। शायद मैं खेती करता तो बहुत जल्दी सक्सेस होता, लेकिन एक वकालत प्रोफेशन ऐसा होता है कि शायद उसमें 3 से 5 साल का मिनिमम टाइम वहां पर देना पड़ता है, और वो भी तब हम सक्सेस हो पाते जब मेरा पीछे का बैकग्राउंड इससे इस वकालत से जुड़ा होता, तो शायद मैं उसमें जल्दी सक्सेस प्राप्त करता। लेकिन बहुत तकलीफ भरा संघर्ष था, बहुत मतलब बसों के अंदर आना, बसों के अंदर जाना, कोट पहन करके, कोट को मतलब उसको फोल्ड करके थैली में पैक करके उसको घर पे रूम तक लेके जाना, ये तकलीफ मैंने यहाँ पर देखी। और उसी दौरान दोस्तों मैं अपने आप को मैं बात करूंगा तो वहां पर उस दौरान मेरे को यानी कि 2005 और 6 के अंदर मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जो थी तो नेटवर्किंग की, जिस कंपनी का अब बोलते हैं कि मरता क्या नहीं करता, मैं उसका हाथ मैंने थामा और उस कंपनी के अंदर उस वक्त मैंने एक साल के अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बहुत अच्छा पैसा वहां से कमाया और मेरा एक पहला सपना वो पूरा हुआ जयपुर के अंदर मकान का। उस वक्त मैंने जयपुर का बॉस एरिया तो सिविल लाइन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस वक्त मैंने वहां पर मकान लिया। वो मकान था उस वक्त मेरा 32 लाख का, और आज उस मकान की अगर उस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ आज मेरा वो 2.25 करोड़ का मकान है दोस्तों मेरा। लेकिन वो कंपनी आई, वो कंपनी चली, उससे मैंने एक बहुत अच्छा इनकम यहाँ से लिया, लेकिन वो कंपनी कुछ टाइम ही चल पाई और कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई। बहुत बड़ा झटका लगा कि यार ये हमने क्या किया, क्या हम लोगों के साथ में न्याय कर पा रहे हैं क्या। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस वक्त का जो दौर था कंपनियों को लेकर के, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सिखाया ये कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट से आ रही थी, बहुत सारी कंपनियां मार्केट से जा रही थी, लेकिन अगर उन कंपनी की उस टाइम बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग कंपनियां खोल रहे थे मेरे जैसे लीडर, या बहुत सारे ऐसे लीडर आते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और या टोटल कमाते हैं, होता क्या है उनको खुद को एमडी सीएमडी बनने का जोश चढ़ जाता है और खुद कंपनियां खोल बैठते हैं और कंपनियां खोल करके लोगों का पैसा लेकर के भाग जाते हैं। मतलब क्या, मतलब पिरामिड स्कीम बहुत जबरदस्त तूफान था उस वक्त, बहुत जबरदस्त उसको लेकर के मार्केट में भूचाल था, लोगों को ऐसा मतलब उसको इंडस्ट्री को लेकर उसका पूरा नॉलेज नहीं था। लेकिन अगर मैं यहां पर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उस कंपनी ने, उस पिरामिड स्कीम ने मेरे पूरे लाइफ के अंदर जो नॉलेज मुझे दिया वो मुझको मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि उस वक्त होली को कंपनी आ रही थी और दिवाली को कंपनी गायब हो रही थी, और ऐसा दौर था, ऐसा खतरनाक दौर था कि धीरे धीरे आते 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 2011-12 के अंदर, मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से बोलते हैं, बहुत बड़े उसको बोल सकते हैं कि खतरनाक दौर से गुजर रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियों जिसके सीईओ अंदर हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लीडर्स थे वो अंदर मतलब आज जेलों के अंदर बंद हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। वहां पर मैंने कसम खाई कि शायद आज के बाद ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि मतलब एक जो एक अच्छा अवसर, एक अच्छा जिसको बोलते हैं कि शायद ऐसे इस कीचड़ के अंदर भी कोई ना कोई गुलाब का एक जो गुलाब का पेड़ है वो कहीं ना कहीं पनप रहा था, गुलाब का फूल जो है ना वो कहीं ना कहीं खिल रहा था। और अगर मैं उसकी बात करूं तो उसी वक्त जो नेटसअप का जो मैं बात करता था वहां पर, उस वक्त नेटसअप धीरे 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 पनप रहा था लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच पाया। उस दौर के अंदर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि उस दौर में जो मैंने सीखा, वो जो कंपनियां जो एक्सपीरियंस देकर के गई पिरामिड स्कीम को लेकर के या पोंजी स्कीम को लेकर के, या इसको बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जिसको लेकर के इंडस्ट्री के अंदर लोगों के दिमाग के अंदर बहुत गलत फहमियां गई, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ कि जब वापस मैंने वहां पर वकालत स्टार्ट कर दी, कसम खा दी कि मुझे यहाँ पर कोई काम करना नहीं है, इस इंडस्ट्री से दूर रहना, हाथ जोड़ लिया था मैंने। लेकिन लकी मैं ये था कि 2017 के अंदर, मतलब जून 2017 के अंदर मेरे जीवन के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसकी मैं बात करता हूँ, तो आज हम सब लोग उसका हिस्सा हैं, यानी कि नेटसअप मेरे जीवन के अंदर आया। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जब जो मैंने कसम खा रखी थी मुझे इन कंपनी के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस दौरान बहुत सारी कंपनी आ रही थी, बहुत सारे लीडर्स भी आ रहे थे और अलग अलग जैसा दे रहे थे, सर आज वहां पर मीटिंग आपको वहां पर चलना है, आज वहां पर मीटिंग आपको वहां पर चलना है, इस कंपनी के अंदर आप काम करोगे बहुत अच्छा आपको इनकम मिलेगा। लेकिन हर एक कंपनी का प्लान मैंने स्टडी किया, हर एक कंपनी का मैंने मैनेजमेंट देखा, हर एक कंपनी का प्रोडक्ट मैंने देखा, वहां पर मुझे जो समझ में आया कि जो मैं जो चाह रहा था शायद किसी कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है, किसी के अंदर कोई बीवी आता है, किसी के अंदर सीवी आता है, किसी के अंदर रीपर्चेज कंपलसरी होता है, और अगर मैं बात करता हूं तो मतलब बहुत सारी खामियां उनके अंदर देखने को मिली। शायद किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट के नाम पर सूडलेंथ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम पर मैं बात करता हूं तो वहां पर कोई ब्रासलेट बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सीडी बेच रहा है, शायद वो हमारे यूजेबल नहीं था, शायद वो हमारे सेलेबल भी नहीं था, मतलब हम उसको घर पे लेकर आए तो करे भी तो क्या करे। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी को लेकर, शायद किसी कंपनी का कोई इथिक्स नहीं है, शायद किसी कोई कंपनी का विजन नहीं है, अगर मैं कंपनी के पास में कोई मैनेजमेंट नहीं था, तो
इसलिए हाथ जोड़ के बैठ गया था। लीडर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लीडर्स करते क्या है, कमाते 5,000 रुपए हैं और बताते हैं 50,000 रुपए की, यस मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ। तो शायद ये चीजें मुझे अलाउ नहीं कर पा रही थी इन कंपनियों की मीटिंग में सेमिनार में जाने के लिए, जिसकी वजह से मैं वापस वकालत कर रहा था, मजे कर रहा था आराम से कि मेरा काम चल रहा था पार्ट टाइम में, कुछ ना कुछ मेरा साइड में जो यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी काम चलता कारवा रोड के ऊपर, मेरे मित्र थे उनके साथ मैं बिल्डिंग लाइन में पैसा लगा रखा था। लेकिन जून 2017 के अंदर मेरे जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आई, मेरे किसी व्यक्ति ने परिचित जिसने केवल प्रोडक्ट यूज किया था, नेटसअप का केवल प्रोडक्ट यूज किया था, उसने मुझे बोला कि ऐसा जयपुर के अंदर होटल पलक पैराडाइज के अंदर एक प्रोग्राम है, उसमें आपको जाना है। तो दोस्तों वो मेरे रास्ते में था, जहां पर मुझे कारवा रोड पे जाना था वो मेरे रास्ते के अंदर पड़ता था, मैं उस प्रोग्राम के अंदर गया। तो वो डे मतलब डे कॉन्फ्रेंस था, दिन भर का लंच प्रोग्राम था, लंच प्रोग्राम मैंने वहां पर अटेंड किया। मैं वहां पर करीबन 9:30 बजे वहां पर पहुंचा, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, पूरा नाश्ता वास्ता सब लोग करके तैयार थे, रेडी थे, प्रोग्राम के अंदर जाके मैं बैठ गया। दोस्तों मैं उस दिन मैंने ये देखा कि अगर हम आज इस प्रोग्राम के अंदर बैठते हैं, अगर इसको ढंग से सुनते हैं तो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसा अवसर मिल जाए। तो उस दिन मैंने किया क्या कि जो एक लीडर्स की जो सोच होती है वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते, मतलब वो अपने आप को उसको बोलते हैं कि लीडर मानते हैं, डायमंड मानते हैं, डबल डायमंड मानते हैं, कि वो किसी व्यक्ति की बात सुनना पसंद करते नहीं। जो मेरे दिमाग में चल रही थी और मैंने भी उस दिमाग को जो गिलास जो एक गंदे पानी से जो भरा हुआ था उसको खाली किया और खाली करके मैं उस प्रोग्राम के अंदर बैठा। और दोस्तों एक ऐसा स्पीकर उस प्रोग्राम के अंदर था जिसकी मैं अगर बात करता हूं तो आज उनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ता हूं। वहां पर मुझे सुनने को यह मिला कि ऐसा स्पीकर जो महीना 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और ऐसा स्पीकर जिनकी एजुकेशन की मैं बात करता हूं वो बार बार बोल रहा कि मैं 9th पास व्यक्ति हूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने एक बार सोचा कि शायद ये वापस वही कंपनी वाले जो लीडर जो बातें करते हैं शायद ये स्पीकर भी वही बातें कर रहे हैं। वो उसको लेकर के थोड़ा संतुष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो कंपनी के बारे में जो वहां पर जो नॉलेज दिया जा रहा था, जो कंपनी के बारे में जो जानकारी दी जा रही थी, वो मुझे मेरे दिल के अंदर और मेरे दिमाग के अंदर ऐसा घर कर गई कि आज मैं उस कंपनी में बात करता हूं। मतलब नेटसअप के बारे में जो वहां पर नॉलेज दिया गया कि नेटसअप एक इथिकल कंपनी, नेटसअप एक विजनरी कंपनी है, जिन कंपनियों के पास में विजन नहीं होता नेटसअप वहां पर विजन लेके काम कर रही है कि यही काम यही बिजनेस करेगा मेरा और आपका नेक्स्ट जनरेशन। और मैं बात करता हूं कंपनी का मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के बारे में वहां पर सुना। बात करूं प्रोडक्ट को लेकर के, तो प्रोडक्ट हमारे पास में से कि हमारे मतलब सुबह से लेकर शाम तक हर घर में, हर खेत में, हर जानवर को काम आने वाले प्रोडक्ट थे। मतलब इसको यूज करो या सेल करो, वहां पर हर जगह हमारे वो काम आने वाले हमारे प्रोडक्ट थे। अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट को लेकर के, तो पहली बार मैंने किसी कंपनी के अंदर ऐसा देखा, ऐसा सुना कि जहां पर नेटवर्क एक तरफ होता है और मैनेजमेंट एक तरफ होता है अदर कंपनियों के अंदर, लेकिन नेटसअप के अंदर मैंने देखा कि दोनों मतलब नेटवर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं। मतलब सबसे बड़ी जो ताकत मुझे जो नेटसअप के अंदर जो नजर आई कि आज भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो थर्ड एम्पायर आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं आशीष सर, ये मतलब कंपनी के जो रीजनल मैनेजर, जो कंपनी का एक इम्प्लॉई हमारे बीच में आकर के ऑन रोल काम करता है कि हम किस तरह से काम करते हैं, हमारे पर थर्ड एम्पायर की तरफ इस पर नजर रखते हैं। वो ताकत जो मुझे देखने को मिली कि यस ये व्यक्ति है, ये जो कंपनी है ये 100% हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है। और अलग जो सबसे हटकर के जो चीज देखने को मिली वो था इस नेटसअप का ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ दुनिया की किसी कंपनी के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट काम नहीं है। जो वहां पर जिस स्पीकर की जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो हमें बता रहे बार बार कि यहाँ पर नेटसअप के अंदर जिसको बोलते 360 डिग्री ट्रांसपेरेंट काम होता है, और मैंने वहां पर वो देखा। हम बहुत सारी कंपनी वालों को पूछते हैं सर आपका इनकम क्या है, आप लीडर को पूछते हैं वो बताते कमाते 5,000 रुपए और बताते 50,000 रुपए हैं। हम उनको पूछते हैं सर आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, और वो टर्नओवर बताने से संकोच करते हैं, साल का टर्नओवर नहीं बता पाते, महीने का नहीं बता पाते। लेकिन नेटसअप के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था उसके अंदर बोला कि सर यहाँ पर नेटसअप के अंदर आप साल भर का नहीं, महीने भर का नहीं, एक दिन का नहीं, एक घंटे का नहीं, एक मिनट का नहीं, आप हमारा टर्नओवर जैसे टीवी के ऊपर लाइव टर्नओवर चलता है वैसे हमारा टर्नओवर लाइव चलता है। दोस्तों इससे क्या लगा, मुझे ये लगा कि ये कंपनी मेरे लाइक कंपनी जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरी तलाश आज यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आज लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, मैं लोगों को ये बोलता हूं मैं कोई कंपनी में काम नहीं करता, मैं उस मिशन में काम करता हूं। नेटसअप की अगर कोई बात करता है कि आप नेटसअप को कंपनी के नाम से संबोधन नहीं करता, मैं बोलता हूं कि नेटसअप एक कंपनी नहीं है, नेटसअप एक मिशन है, नेटसअप एक विजन है। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं ये मैंने मेरे लाइफ के अंदर देखा। अगर मैं और बात करता हूं वहां पर जो इस मीटिंग से, इस ट्रेनिंग से जो मैंने सीखा, मतलब जो तीन चीजें मुझे सीखने को मिली, पहला कंपनी के बारे में, और दूसरा अगर मैं बात करता हूं स्पीकर के बारे में, जिस स्पीकर की मैं बात करता हूं कि जो बार बार जो एक मेरे दिमाग में जो नेगेटिविटी बैठी हुई थी कि लीडर्स करते क्या हैं और एक्चुअली बताते कुछ और है, ऐसे स्पीकर के बारे में जो मैंने सुना तो बार बार बोल रहे साहब मैं 9th पास व्यक्ति हूं, महीना 10 से 12 लाख रुपए में कमाता हूं। मेरे दिमाग के अंदर वो बात हजम नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति 9th पास है वो व्यक्ति शायद
जिस तरह से जो कंपनी का जो प्रोफाइल बता रहे हैं, शायद वो जिस तरह से कंपनी का जो फंड जो मैनेजमेंट जो होता है वो उसके बारे में बता रहे हैं, और मार्केटिंग की जो स्किल्स जो बता रहे हैं वो मेरे दिमाग में नहीं उतर पा रहा, क्योंकि मैं अपने आप को वेल एजुकेटेड समझ रहा था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, और ये नाइन्थ पास व्यक्ति शायद ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। तो मुझे लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा, कहीं ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ये MBA करके आए, चाहे वो मार्केटिंग में हो चाहे वो ज्यादा फाइनेंस के अंदर करके आए होंगे, ऐसा मुझे लगा। जैसे ही लंच हुआ मैं बाहर आया, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला सर हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, आप तो अभी लंच लो और बाद में जब से आप इस पूरे प्रोग्राम को सुनो उसके बाद मैं आपको पूरे हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। दोस्तों मैंने लंच के बाद का सेशन सुना, वो सुनकर के जब हमारा वहां पर बाद में डिस्कस हुआ तो उन्होंने एक एक डिग्रियां मुझे दिखाई अपनी, एक एक मोबाइल के खोल दिखाया कि मैं केवल और केवल नाइन्थ पास व्यक्ति हूँ, और महीना पूरा मतलब अपना लैपटॉप खोल के दिखाया कि मैं 10 से 12 लाख रुपए महीना लेता हूँ। और ये नेटसअप के जो एक कल्चर है, नेटसअप का जो जिसको बोल सकता है नेटसअप जो एक इथिकल कंपनी है, नेटसअप के अंदर कभी ऐसा होता नहीं है। ऐसा सुना उन्होंने एक बात बोली कि आज अदर कंपनी में आप लोग जाओगे तो वहां पर होता क्या है, दिखावा होता है, दिखावा होता कुछ है बताया कुछ जाता है। अदर कंपनी के लीडर्स के आप गले में आप देखोगे दुनिया भर की आपको चेन मिलेंगी, यहाँ पर ये जो उंगलियां होती हैं इनमें आपको दुनिया भर की अंगूठियां मिलेंगी, ऐसा वहां पर वो दिखा होता है। लेकिन जिस सिंपल पर्सनैलिटी को मैंने सुना उनका देखा, मुझे यकीन हुआ कि यार रियल में ये नेटसअप जो है वास्तव में एक इथिकल कंपनी है, एक विजनरी कंपनी है। और दोस्तों उस व्यक्ति की अगर मैं बात करता हूं तो आज हम सबके जिसके बाद सबके लाडले और हमारे राजस्थान के OCM, हम सबके जिसको बोल सकते हैं हमारे नेशनल मेंटोर और मेरे गुरु, जिनकी उंगली उस दिन से मैंने पकड़ी और उस वो दिन है आज का दिन है, उनकी उंगली पकड़ के मैं नेटसअप आगे बढ़ता हूँ। ऐसे में मेरे गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली बनती है, जहां पर आप लोग बैठे एक बार वर्चुअल ताली होनी चाहिए उनके लिए, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, यानी कि मैं आपको बोल सकता हूं कि उस दिन से मेरे सपनों को उड़ान मिलना चालू हुआ, उस दिन से मेरे सपनों को उड़ान मिली। और अगर मैं बात करूं तीसरा जो उस ट्रेनिंग से जो मुझे सीखने को मिला दोस्तों, बहुत अच्छी बात थी, और वो ये थी कि अगर मैं बहुत लकी मानता हूं अपने आप को, अगर मैं उस ट्रेनिंग में नहीं जाता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती, मतलब उस ट्रेनिंग का मैं हिस्सा बना। हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा कि लीडर्स की सोच होती है कि मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वहां पर पता नहीं क्या होगा, वहां पर हवा भरी जाती है, वहां पर कोई हवा भरने का काम नहीं होता, हवा भरना या हवा निकालना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मीटिंगों में जाने से बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसी दिन अगर मैं उस मीटिंग को ये मिस कर देता तो शायद मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होता, ये उस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे वहां पर सीखने को मिला। तो ऐसा विजनरी प्लेटफॉर्म आज मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आज उसी दिन मैंने ये कसम खाई कि आज के बाद मुझे नेटसअप फुल टाइम करना है, और नेटसअप के अंदर आया मैंने, वहां से निकलते ही करीबन 4-5 दिन बाद में मैंने S-Cross गाड़ी 11.5 लाख रुपए गाड़ी निकाली, क्योंकि मुझे करना है मेरे सपनों को उड़ाने, यहां से मिलना चालू हुआ। गाड़ी निकाल करके मैं फुल इस पे फील्ड पे उतरा, यहां पर मैं फुल टाइम निकलूंगा, यहां पर मैं पार्ट टाइम था, करीबन मैं यहां पर 1 से 1.25 साल में पार्ट टाइम काम करता रहा। पार्ट टाइम काम करते करते मेरा इसका जुलाई 2017 का पहला चेक 1860 रुपए का मेरा पहला चेक आया था। यहां पर भी मैं बोलता हूं कि पैसेंस रखने वाली बात होती है, क्या 1860 रुपए का चेक बन रहा है क्या उससे मैं अपना पैसेंस खो दे, अरे यही 1800 रुपए का चेक हमें एक दिन 16 लाख पर लेकर के जाएगा, और उस तरह मैं बढ़ रहा हूं। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं तो पार्ट टाइम काम करते करते दोस्तों करीबन इसमें मई 2018 के अंदर जो मैंने S-Cross गाड़ी ली थी उस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, नीमगढ़ थाना के पास में माकड़ी फाटक आता है वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, और मैं 4 महीने मतलब मेरे सर में चोट लगी, गाड़ी पूरा मेरा डैमेज हो गया, मैं घर पर बेडरेस्ट पे आ गया। करीबन 4 से 5 महीने बेडरेस्ट पे, और बेडरेस्ट पे रहने के बाद मतलब अंदर अंदर ये समझ में आया कि 10-15-20 हजार रुपए का चेक मेरे पास में महीना आ रहा है पार्ट टाइम करने के बाद। अब वहां पर समझ में आया कि अगर मैं कोर्ट में होता तो शायद ये पैसा मेरे पास नहीं आता, और अगर मैं दुनिया से चला जाता तो शायद मेरी वाइफ जाकर कोर्ट के अंदर वकालत नहीं कर सकती, मतलब पूरा घर बंद हो सकता था, परिवार है वो संकट में आ सकता था, बच्चे प्रॉब्लम में आ सकते थे। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि आज मुझे यानी कि एक पैसिव इनकम जिसकी तलाश है वो यहां से मेरे को मिल सकती है, मतलब पैसिव इनकम क्या होती है वो यहां से मेरे को समझने को मिली, यानी कि मैंने वहां से समझा कि पैसिव इनकम का इस दुनिया में इस जीवन के अंदर आना बहुत जरूरी है। तो वहां से मैंने नेटसअप को फुल टाइम अपनाया, और फुल टाइम आपको बोल सकता हूँ कि यानी कि मेरे सपनों को यहाँ से पंख लगना चालू हुआ, और सपनों को मैंने पंख लगाए, फुल टाइम मैं नेटसअप के अंदर आया, और फुल टाइम आज नेटसअप करते करते आज अगर मैं काम बात करूं तो आज मेरे पास में जो टोटल इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 50 लाख रुपए का इनकम, यानी कि मैं आधा करोड़पति नेटसअप के माध्यम से यहां से बन चुका हूं, मतलब 50 लाख रुपए की इनकम मैं यहां से ले चुका हूं। और जिस तरह की मैं बात करता हूं तो आज मैं नेटसअप के अंदर फुल टाइम हूं, और 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि यही बिजनेस करेगा मेरा और अगला नेक्स्ट जनरेशन आने वाली पीढ़ी, और इसी बिजनेस की बात करते हैं ये सब जो सपनों को जो इसको बात करता हूँ कि उनको उड़ान भर रहे हैं जो सपने जो मेरे जिनको पंख लगाया है, वो पंख लगाने का जो काम किया
वो है हमारा नेटसप का पथ फाइंडर। इस पथ फाइंडर की मैं बात करूं तो उस वक्त हमारे पास में चलता था CA CS यानी कि लेवल 1 लेवल 2 जिसमें 25,000 का टारगेट होता था। दोस्तों मैं आपको बोलूं कि उस पथ फाइंडर को पकड़ करके आज मैं आपको बोल रहा हूं कि बार बार की 50,00,000 रुपए का इनकम मेरा यहां से हो चुका है। तकरीबन बात करना तो करीबन 12 से 13 रीजन में जो नेटसप के जो रीजन होते हैं 12 से 13 रीजन में मेरा काम है जहां पर मैं अलग अलग जाता रहता हूं। और इसकी अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो रोल रहा है वो रहा है हमारा पथ फाइंडर का जो L1 L2 CAC जिसको हम बोलते थे, जिसके लेकर के मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन कर करके और लोगों को यानी छोटे छोटे जो टारगेट जो नीचे वाले जो लोग हैं उनका छोटे छोटे टीम का उसका अचीवमेंट्स को लेकर के यहां पर बड़े बड़े लोगों को बोल सकता हूं कि उनका अचीवमेंट करवाया। उनके अचीवमेंट की बात करूं तो मैं हमेशा उस पे बिलीव करता हूं कि मतलब हवा जो भरी जाती है मैं हवा भरने पर भरोसा नहीं करता, मैं हमेशा जो भरोसा करता हूं मैं सिखाने पर और सीखने पर भरोसा करता हूं कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा सिखाते रहना चाहिए। जो आदमी सीखेगा सीखा हुआ जीवन में हमेशा काम आएगा, कभी भी सीखना आदमी को बंद नहीं करना चाहिए। हम सीखते रहेंगे तो जीवन आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि जीवन के अंदर हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर स्पीकर कुछ ना कुछ सिखाता है, हर मीटिंग कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मैं हमेशा सीखने और सिखाने में विश्वास करता रहा और उसी के माध्यम से मैंने पहला मेरा जो क्लब नेटसप था पथ फाइंडर का वो मैंने होटल रेनेसेंस जो बॉम्बे के अंदर हुआ था वहां पर मैंने अचीव किया। पर मैं हर क्लब नेटसप को मैंने जीता, हर क्लब नेटसप को, क्योंकि मेरे अंदर एक टीस थी, मैंने ठान रखा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो पहला जो मेरा क्लब नेटसप था वो होटल रेनेसेंस था, वहां पर मैंने 4 लोगों को मैं जिता करके बॉम्बे ले गया था। उसके बाद मेरा अगला क्लब नेटसप आया वो गोवा था जहां पर मैं 8 लोगों को मेरे साथ गोवा ले गया। उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी, लियोनिया, चेन्नई, हैदराबाद, बात करूं इसका इंटरनेशनल की मैं बात करता हूं, सबसे पहला मेरे पास में क्रूज जो इस क्लब नेटसप के माध्यम से मैंने जीता क्रूज का जो बॉम्बे से हम कोची गए थे, ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस मुझे यहाँ से देखने को मिला। मैंने बात करूँ दुबई, मेरा 2 बार अचीवमेंट दुबई का हुआ, बात करूँ थाईलैंड, बात करूँ मैं सिंगापुर, यहाँ पर मतलब देश और विदेश की यात्रा मैंने इस नेटसप के क्लब नेटसप के माध्यम से की। तो होता क्या कि जब हमारे इरादे बुलंद हो, हमारे जिसको बहुत कुछ सपने बड़े हो, सपनों को जब हमने पंख लगाया, उड़ान लगाया कि कुछ करके दिखाना है समाज के, जिस परिवार के अंदर मैंने जन्म लिया आज उसी परिवार के अंदर बहुत एक मान और सम्मान के साथ में वहां पर जब जाते हैं तो पूछा जाता है, बोला जाता है ये सब जो ताकत जो देन आती है वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो ताकत जो मिली है, मतलब लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने की ताकत और टाइम को कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो ये इंडस्ट्री हम लोगों को देती है। और इसी के माध्यम से अगर मैं पथ फाइंडर की बात करूं तो हर क्लब नेटसप को मैंने जीता, हर लेवल को मैंने जीता, हर फास्टैग का मैं हिस्सा रहा हूं, हर फास्टैग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने फास्टैग जिताया जिसकी वजह से पेआउट को बड़ा किया। और इसी के माध्यम से मैं बात करूं तो अब का जो पथ फाइंडर जो हमारे पास में है, जो नेटसप का जो पथ फाइंडर हमारे पास में है, उस पथ फाइंडर में दोस्तों मैं आपको बोलूंगी आज के टाइम पर बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा पथ फाइंडर हमारे पास में है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो बेसिक जो हमारा टूल्स जिसको बोलते हैं गुरुकुल, मतलब इस गुरुकुल के माध्यम से मैं आपको बोलता हूँ कि हम बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। और आज मैं हमेशा यही करता हूं कि मेरी टीम से कौन कौन लोग गुरुकुल अचीवमेंट कर सकते हैं मैं हमेशा उन लोगों के ऊपर माइक्रो प्लानिंग करके मैं वहां पर जाता हूं, जिसकी वजह से एक अच्छे अचीवर्स निकल कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा पेआउट जाता है, हर एक व्यक्ति का एक अच्छा पेआउट बनता है। और विशेषकर मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट, और कैबिनेट का जो सब कैबिनेट है उसका एक बहुत अच्छे लेवल पर उनका इसका पेआउट बनकर जा रहा है। तो ये ताकत जो पथ फंड की होती है गुरुकुल के बाद बात करता हूं, हमारा सुपर बिगिनर होता है जहां पर हमें 20,000 का टर्नओवर करना पड़ता है, उसके बाद में सुपर अचीवर की मैं बात करूं जहां पर 30,000 वाले, इसके जो 3 लेवल है, 4 लेवल है यहां पर 30,000 का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ये बहुत ही अच्छा पथ फाइंडर जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा एक बिजनेस को हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। उसके बाद में फास्टैग, इस बार का फास्टैग बहुत सुपर, जिसको पकड़ करके मैंने माइक्रो प्लानिंग करके टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने फास्टैग में एंट्री डलवाया। फास्टैग में होता क्या है, मतलब जहां पर हम जो करोड़पति बनने का जो सपना देखते हैं उसकी पहली राह जहां से चालू होती है उसका एक जो बीच का जो पड़ाव आता है वो हमारा फास्ट ट्रैक होता है, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, लीडरशिप वहां पर तैयार होती है। और मैं ये बोलता हूं कि हर एक लीडर इसको फास्ट ट्रैक व्यक्ति को मैं बोलता हूं कभी भी कोई भी फास्ट ट्रैक की जो ट्रेनिंग आती है उस ट्रेनिंग को हम लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नॉलेज हमें वहां पर मिलता है। तो ऐसे करके जैसे भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से हमारा जेम है, जेड है, एमराल्ड है, पर्ल है, रूबी है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट लेवल की अगर डायरेक्टर लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर हमारा प्लेटिनम है, सफायर है, मतलब ये जो फास्टैग के जो लेवल हैं ऐसे करते करते मैं आपको बोलता हूं कि बहुत एक अच्छा बहुत शानदार हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये जो ट्रेनिंग जो मॉड्यूल जो नेटसअप के अंदर जो हम लोगों को मिलता है, सीखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी अगर मैं बात करता हूं तो वो नेटसअप है। और नेटसअप का दामन जैसा मैंने अभी थामा है, आने वाले टाइम पर मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूं कि मैं जिस दिन मरूंगा यानी जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जो मेरा अंतिम सांस होगा
उस वक्त मेरे मुंह से आखिरी शब्द एक ही निकलेगा कि जय नेट सब। और यही मेरा आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तो मेरे जो आने वाली पीढ़ियां इस बिजनेस को करेंगी, मतलब जो पैसिव इनकम को लेकर जिसमें बात करता हूँ कि आज जो बहुत सारे लोग इस पैसिव इनकम को ले रहे हैं, हम यही बिजनेस आने वाली पीढ़ियों को हम लोग लेकर के जाने वाले हैं। तो मैं आपको जाते जाते ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको इतना बोलूंगा कि हम लोग ड्रीमर लोग हैं, हम लोग सपने वाले लोग हैं। मतलब मेरी बात करता हूँ तो मैं बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा, शायद ये बिजनेस मेरे लाइक नहीं है। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि मैंने बहुत अच्छा मतलब हाईली मैं एजुकेटेड हूँ और उसके बावजूद मैंने यहाँ पर इस बिजनेस को थामा है। उसका मुख्य कारण एक ही है कि ये पैसिव इनकम आज के टाइम पर बहुत जरूरी होती है और वो पैसिव इनकम ये बिजनेस दे सकता है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई मायना नहीं रखती है, यहाँ पर आप किस समाज से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, ये यहाँ पर मायना नहीं रखता है। यहाँ पर जो मायना रखता है वो मायना ये रखता है कि आप और हम इस बिजनेस के अंदर हैं, हम एक ड्रीमर, हम सपने देखने वाले लोग हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं, जो सपने देखने वाले जो लोग होते हैं, एक अलग बिरादरी होती है, अलग समाज होता है और उस समाज से हम लोग आते हैं, आप और हम आते हैं। और मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसे लोगों के लिए बिजनेस है तो 100% आप सब लोगों का ये सपना पूरा करने वाला बिजनेस, सपनों की उड़ान 100% यहाँ पर आज इस प्रोग्राम के अंदर जो 300 लोग जो बैठे हुए हैं, 100% आप सब लोगों का ड्रीम यहाँ से पूरा होने वाला है। तो ज्यादा नहीं बोल कर क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम का बाउंडेशन भी है कि आशीष सर ने हमें यहाँ पर जो मौका दिया बोलने का, मुकेश ने जो मौका दिया, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आपने मुझे मौका दिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टाइम का जो बाउंडेशन है, उस टाइम के बाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप सब लोगों को यानी कि इस प्रोग्राम से मैं यहाँ पर विराम चाहूंगा, मेरी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। लेकिन जाते जाते कल हमारे यहाँ पर करवा चौथ है, करवा चौथ हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप सब लोगों को, चाहे वो सक्षम हो, चाहे हमारी जो बहनें अस्मिताएं हो, आप सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सर, आशीष सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सुना सर रामनिवास सर को, और बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद सर की स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, सर की स्टोरी को समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ में बताना चाहूंगा मैं कि सर की स्टोरी जो है, इस स्टोरी को रिलेट करके आप कई सारे लोग जो है नेटसर्फ में सफल बन सकते हैं, इनकी राह के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है अभी एंड नहीं हुआ है, लास्ट में कुछ आपको अपडेट देना बाकी है। इस तरह का प्रोग्राम हमारा अगले महीने दोबारा होने वाला है, उसके लिए आप रेडी रहिए। अपनी टीम के सभी लोगों को आप पहले से ही अपडेट देके रखिए कि हर महीने जब भी इस तरह का प्रोग्राम होता है उसमें पूरी टीम को आप बिठाइए। और लास्ट में आपको यही अपडेट देना है कि जैसा कि सर ने बोला है कि कल करवा चौथ है, तो सभी अस्मिताओं को करवा चौथ की एडवांस में बधाई। और हमारा जैसे ही कल 24 तारीख है, तो कई सारे लीडर करवा चौथ होने के बावजूद भी वह फील्ड में अपनी सेवा देने वाले हैं। तो कल 24 तारीख को जो है जोधपुर में, नागौर में, भिलवाड़ा में और रावला मंडी जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, तो ये चार जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। आपके सभी लोगों को उस प्रोग्राम के अंदर आप बिठाइए। और इसके बाद में स्पेशली उन सभी अस्मिताओं के लिए जो कि सपनों की उड़ान जैसे प्रोग्राम में आना चाहती है, अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहती है, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका जो है वो मिलने वाला है 26 तारीख को। 26 तारीख को जयपुर में होटल लाइट हाउस के अंदर हम प्रोग्राम करने वाले हैं स्पेशली फॉर अस्मिताओं के लिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अस्मिताओं को लेकर आइए और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, कुछ वहां पे उनको बहुत सारी चीजें जो है स्पेशली अस्मिताओं के लिए एक नया इवेंट होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा अस्मिताओं को, ज्यादा से ज्यादा लेडीज को 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आप हिस्सा बनने के लिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें मेल नॉट अलाउड है, जेंट्स का एंट्री नहीं रहेगा। तो कृपया करके ये दो जो मैंने आपको मैसेज दिया है, इन मैसेज को आप समझ के लीजिए। और इस तरह के सपनों के प्रोग्राम जो है, सपनों की उड़ान करके जो हमारा प्रोग्राम है, इनमें भी आप बने रहिए। हमारे जूम सेशन होते रहते हैं, जूम वेबिनार होते रहते हैं, उनके जरिए अपनी टीम को ग्रोथ दीजिए। हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं, उनके जरिए अपनी टीम को ग्रोथ दीजिए। और साथ ही साथ में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते रहिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए और नेटसर्फ में सक्सेस की राह में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।